अजय देवगन वैसे ही बहुत अच्छा एक्टर है, बट आर माधवन ने ये मूवी ले ली, स्टोल द शो। एक्टिंग अच्छी है, विलन भी अच्छा है, होपलेस हीरो है, शैतान में शैतान नहीं है, ठीक ठाक मूवी है, इतना डरावना नहीं है, कुछ भी नहीं है खास। अजय देवगन एंड आर माधवन, ओह माय गॉड, एंड द गर्ल हु वाज पोजेस्ड, ग्रेट ग्रेट। एक ही बंगलों में पूरा पिक्चर बना दिया है, पैसा थोड़ा बचा दिया है, जैसा नाम है टाइटल वैसे ही पिक्चर भी वैसे ही है। माधवन का रोल बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन। अजय का भी अच्छा रोल है, क्लाइमेक्स में उसका काम बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाफ बहुत आपके माइंड के साथ खेल रहा था, सेकेंड हाफ इज लिटिल एग्रेसिव, जो कि फिर आपको ऐसे मोमेंट्स देता है कि ओ ये वाले परसेप्शन चेंज कर देगी, बिकॉज इसको देखने के बाद आई स्वेयर गूज़बम्स आ रहे थे, अभी तक मेरे दिमाग में यही चल रहा है। फाइनली शैतान जो है ना, लिटरली में बहुत तगड़ा शैतान है ये तो, और बहुत अच्छी पिक्चर है। सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था, बिकॉज देयर आर मेनी ट्विस्ट्स अराउंड दैट एंड इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। इट्स अ गुड मूवी, अच्छी मूवी है, इट वाज गुड अबव एवरेज। एक्टिंग अच्छी है, विलन भी अच्छा है, होपलेस हीरो है, कुछ कर नहीं पाता। लास्ट का अगर 15 मिनट का छोड़ दे तो पिक्चर कुछ भी आगे बढ़ता ही नहीं, बस चलते रहता है, चलते 2.5। मैसेज ये है कि बस अगर कोई सामान कुछ दे तो खाना नहीं चाहिए। अमेजिंग अमेजिंग थ्रिलिंग, अमेजिंग, वेरी थ्रिलिंग। केमिस्ट्री बेटर बहुत अच्छी थी, बट अजय देवगन वैसे ही बहुत अच्छा एक्टर है, बट आर माधवन ने ये मूवी ले ली, स्टोल द शो। सेकेंड हाफ से डरने वाला तो इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब इतना हॉरर नहीं दिखाया गया था जितना कि ट्रीजर में दिखाया गया था, वैसा हॉरर नहीं था, बट पिक्चर ने पूरे बांध के रखा था और कोई पब्लिक हिल डुल नहीं थी, पूरा साइलेंट था, ऐसा लगता लिटरली में कुछ ना कुछ होने वाला है। 2 स्टार्स दें, 2 से 3 स्टार्स। सबसे मतलब मैंने अभी तक के लाइफ में पहली पिक्चर ऐसा देखा है जिसमें सिर्फ 3 से 4 कास्ट ने पूरी पिक्चर को 2 घंटे तक हिला के रख दिया, 3 घंटे तक, ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। और उसके सपोर्टिंग रोल में दोनों है, माँ बेटी, अच्छा जम रहा है, क्लाइमेक्स बेहतरीन एकदम, लास्ट में 5 में से 5। इसमें दिखा है काला जादू रहता है, काला जादू के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो अच्छा दिखा है। बहुत ही अमेजिंग मूवी है, इंडियन हॉरर मूवीज़ में वन ऑफ द बेस्ट मूवी एवर मेड, लाइक ब्लैक मैजिक के ऊपर पास्ट में भी काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह बनी है, बट आई डोंट थिंक कि इतनी अच्छी मूवी कोई भी बनी है, इसीलिए लाइक जनरली इंडियन हॉरर मूवी फैंस के जो ऑडियंस होते हैं वो बाहर की मूवीज़ देखना प्रेफर करते हैं, एनाबेल या फिर द नन वगैरह, बट क्योंकि उनको ये होता है कि इंडियन हॉरर मूवीज़ में स्टोरी अच्छी नहीं है, एक्टिंग अच्छी नहीं है, बट ये मूवी सच में सबके परसेप्शन चेंज कर देगी, बिकॉज इसको देखने के बाद आई स्वेयर गूज़बम्स आ रहे थे, अभी तक मेरे दिमाग में यही चल रहा है। आर माधवन सर की परफॉर्मेंस लाइक मैंने पहले देखी नहीं है उनको नेगेटिव लीड में, आई गेस पहली है या तो उन्होंने नेगेटिव लीड को जस्टिफाई किया, उनके जो कैरेक्टर का ग्राफ है उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया, जब वो विलन के गेटअप में आते हैं, वो तांत्रिक वाले गेटअप में, उस वक्त आई स्वेयर चिल्स आ रहे थे उनको स्क्रीन पर देख के, कि मतलब उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कोई बाहर का कुछ दे रहा हो तो खाना मत, तो उन्होंने ये दिखा दिया कि हाँ भाई मत ही खाना, इतना अच्छा मैं तो क्या। देखिए सर का लास्ट में एक डायलॉग है, अगर एक माँ है तो उससे बड़ा भगवान कोई नहीं होता, ज्योतिका मैम ने उस रोल को जस्टिफाई कर दिया कि अगर वो माँ है तो वो कुछ भी कर लेगी अपने बच्चों के लिए, जिस तरीके से वो माधवन सर से फाइट करती है मूवी में, वो चीज़ भी जस्टिफाई कर रही है वो, कि मतलब उनको पता है कि मूवी में कैसे एक्टिंग करनी है, अपने बच्चों के लिए कैसे करना है, उनका जो कैरेक्टर है माँ का कैरेक्टर वो उन्होंने जस्टिफाई किया। फर्स्ट हाफ में तो स्टोरी बिल्डअप हो रही थी, सेकेंड हाफ में जो चिल्स आए, जो सीन्स आए हैं, जिस तरीके से वो नेगेटिव लाइक ब्लैक मैजिक को पूरा पोर्ट्रे किया गया है, तो सेकेंड हाफ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फर्स्ट हाफ में वो स्टोरी डेवलपमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा, मुझे बहुत अच्छी लगी शैतान मूवी, क्योंकि एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, या फिर मतलब आप स्क्रिप्ट वाइज, किसी भी वाइज बोले, मुझे हर तरह से बहुत अच्छी लगी, मैं एक सेकेंड के लिए भी डिस्कनेक्ट नहीं हुई, तो फॉर मी तो इट्स वेरी नाइस मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, आर माधवन सर इज़ अमेजिंग एज यूजुअल, हमेशा की तरह सर तो हमेशा बेस्ट ही होता है। एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर कि पहले इन्होंने नेगेटिव किया है कि नहीं, अगर ये फर्स्ट नहीं किया है तो ये पहली बार है, तो मतलब बहुत अच्छा हो, जैसे वो एक्टर हैं उनके लिए वो, जैसे वो हर बार जस्टिफाई करते हैं अपने रोल को, उसी इस तरह इसी तरह उन्होंने ये भी बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो वी वर लकी, जरूर डरना चाहिए, इट वाज वेरी हॉरर टाइप ऑफ थिंग एंड इट वाज ए नया टाइप उन्होंने बनाया है, नॉर्मली हॉरर मूवीज तो हमने बहुत दिखाए 1920 वगैरह एंड ऑल, बट दिस वाज ए बिट डिफरेंट।
बहुत अच्छी लगी, स्पेशली जो केमिस्ट्री के बारे में आपने कहा वो बहुत सही था उन दोनों का केमिस्ट्री। एंड ज्योति मैम का तो वो सीरीज ए प्रूवन एक्ट्रेस। आर माधव की तो मतलब एक्टिंग बहुत ही फेबुलस है, मतलब लास्ट 2-3 फिल्म से मतलब उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अजय देवगन हैज़ बीन डूइंग रियली गुड फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स, और उनकी एक्टिंग दोनों की मतलब एक्टिंग इन द आर माधवन इन द नेगेटिव रोल एंड अजय देवगन जो इन अ पॉजिटिव रोल, दोनों की अच्छी थी। इट वॉज गुड, अबव एवरेज। 4.5 स्टार आउट ऑफ 5, 3.5। ये पिक्चर देखना चाहिए, वक्त तो थे। जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी इफ यू लव हॉरर मूवीज। मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे। आई थिंक वो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वैसे जाना चाहिए ताकि सेकेंड हाफ थोड़ा बूम लगे। सो बेस्ट डायरेक्शन मैं तो 5 दूंगी। मुझे तो एक सेकेंड क्लिप में डिस्कनेक्ट नहीं हुई, तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता मैं क्यों बेवजह उनके नंबर आता हूँ।